होली के दिन बदमाशों ने एक युवक की बहरहमी से पिटाई की थी, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया था। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। मामला सिंगरौली का है, जहां सुभाष नाम के युवक के साथ होली के दिन बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट की वजह से सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस कारण उसे रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुभाष की मौत की सूचना अब उसके गांव पहुंची तो उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आरोपियों के खिलाफ पहले मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन सुभाष की मौत के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुभाष जब अपने भाई के साथ होली के दिन कहीं जा रहा था, तो रास्ते में ही पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की थी। इस मामले में 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये पुलिस को जानकारी 9 तारीख को आई थी कि कुछ मारपीट की घटना घटी है, इस तरह का पत्र आया था। पुलिस ने जब तस्दीक की मामले की तो ये पता लगा कि 8 तारीख को ये सुभाष जो मृतक है अपने भाई विकास के साथ में कुछ बाजार जा रहा था, होली का टाइम था, और कुछ पुराने रंजिश को लेके 5 लोगों के द्वारा इनको रोका गया, मारपीट की गई, जिसमें से विकास जो पीछे बैठा था वो भाग गया वहाँ से और सुभाष को सिर में चोट लगी थी। हालांकि वो चोट इस तरह की नहीं थी कि उस समय कुछ उसको बहुत गंभीर हालत थी। वो उसके बाद घर चला गया, घर जाने के बाद फिर उसको दूसरे दिन कुछ दिक्कत हुई, तो परिवार के लोगों ने फिर जाके उसको पहले तो हीरावती हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर ट्रामा सेंटर में उसको इलाज करवाया। वहाँ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने उसका देखा कि वो थोड़ा सा कुछ परेशान हो रहा है, तो उसको रेफर कर दिया रीवा के लिए। और उसी समय घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को 2 तरह की जानकारी आ रही थी, एक कोई मारपीट की बात भी बता रहा था कहीं से, और एक्सीडेंट की बात भी आ रही थी। पुलिस ने उस घटना की तस्दीक की, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और फिर घर वालों के कथन लेके जांच करके उन्होंने देखा कि इसमें मारपीट हुई थी, तो 307 की धारा भी इजाफा कर दी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।